पीटी मैंने बता दिया था, है ना। राहुल आवाज आ रही है? स्टार्ट कर दो। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज योर 4 kg है एंड इसके ऊपर एक है हमारा 2 kg का ब्लॉक। 4 kg के ऊपर क्या है, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। नाउ आपको बोला गया है कि इस पे कितना फोर्स लगाया जाए, ये कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट दोनों ब्लॉक साथ में चल सके, साथ में चल सके। एफ मैक्सिमम आपको निकालना है, एफ मैक्स टू मूव बोथ ब्लॉक्स टुगेदर। पता है इसी साल आईआईटी में यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल अभी फोर्थ सेशन जो चल रहा था सितंबर में जो चल रहा था एग्जाम अभी, है ना, अगस्त में भी चला लास्ट में, और यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, सेम क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझो। आपको बोला गया है यहाँ पे कि इस पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चले। इसको समझने के लिए देखो, ये साथ में तो तभी चलेगा जब इसको भी फोर्स लगाओगे, लेकिन इस पे फोर्स तो तुम लगा नहीं रहे हो, तुम लगा रहे हो फोर्स नीचे वाला पे, तो ऊपर वाला को कौन लेके जाएगा, ऊपर वाला को कौन लेके जाएगा, उस पे कौन फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स, लगाएगा जिससे वो आगे जाएगा, फ्रिक्शन तो वह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, अगर ये हमारा फोर्स इधर लगाए हो, ये आपका स्मूथ दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, आपका स्मूथ दिया हुआ है और यहां पर म्यू दिया हुआ है 0.5। नाउ व्हाट विल हैपन जस्ट सी हियर, वंस यू पुल दिस ब्लॉक 4 kg ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक ऑन द 4 kg ब्लॉक विल बी बैकवर्ड। इस 4 kg ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे के तरफ लगेगा। अगर मैं ए और बी नाम दे दूं तो एफ ए बी पीछे होगा, क्या होगा बाबू, एफ ए बी पीछे होगा। और आपको पता है कि जब बी के कारण ए पे फोर्स पीछे लगेगा तो उतना ही फोर्स बी पे आगे भी लगेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बी पे ए के कारण आगे के तरफ। बात समझ आ गई सबको, ये एफबीडी मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, है ना, बताया था, तो ये आगे के तरफ फोर्स लगेगा आपको। अब देखो, अब 2 kg पे फोर्स केवल यही लगेगा, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन, और इसके वजह से ही ये ब्लॉक आगे जा पाएगा, इससे ज्यादा उस पे फोर्स लग ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस 2 kg ब्लॉक पे और 2 kg ब्लॉक मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, एफ बी ए, और एफ बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इस पे क्या होगा, म्यू एम जी लगता है, याद है आपको मैंने बताया था, म्यू इंटू एन, एन क्या होगा एम जी के बराबर, तो म्यू कितना है 0.5, एम कितना है 2 kg और जी कितना है 10, तो कितना हो गया बाबू 10 न्यूटन हो गया, कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा वह 10 न्यूटन लगेगा 2 kg पे आगे की तरफ, और इसी फोर्स से ये 2 kg का ब्लॉक आगे जा पाएगा। अगर अब 2 kg मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 2 kg पे 10 न्यूटन, तो इस पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है बताओ, मैक्सिमम पांच एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा,
मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ये पता चला कि आप ये जो फोर्स लगाने वाले हो ये आप उतना ही लगाना जिससे कि दोनों कंबाइंड बॉडी, अगर मान लूं तो दोनों कंबाइंड बॉडी का एक्सेलरेशन मैक्स टू मैक्स 5 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तुमने फोर्स लगा दिया तो ये ब्लॉक तो आगे चला जाएगा, ये ब्लॉक आगे सेम साथ में टुगेदर नहीं जा पाएगा। बस में आ गया, अगर आपने इतने फोर्स से ज्यादा लगा दिया 4 kg पे तो ये ब्लॉक तो आगे जाएगा लेकिन 2 kg वाला ब्लॉक आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स जो तुम लगा पाओगे, जो लगाना चाहिए, वो कितना हो जाएगा बाबू? एफ मैक्स जो होगा वो होना चाहिए टोटल मास, यानी 2 × 4 6 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 5, यानी कितना हो गया है? 30 न्यूटन। आप नीचे वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ आगे चले। अगर तुमने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, मान तुमने 40 फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन, कोई बात नहीं, 40 न्यूटन अगर तुम लगाओगे तो ये तो आगे जाएगा लेकिन ये पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इस पे फोर्स मैक्सिमम लग सकता है 10 न्यूटन और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है। इसलिए ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, ऐसा में। ये सेम क्वेश्चन इसी बार आईआईटी में आया हुआ है, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ऑन 26 अगस्त। इसी 26 अगस्त को, यानी कि आज से 5 दिन पहले आईआईटी में यही क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, है समझ में? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, क्लियर बाबू? उतार लो अच्छे से, अच्छे से उतारो ऐसा क्वेश्चन। सर फ्रिक्शन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? किसका? फ्रिक्शन कांस्टेंट का यूनिट बता, उसका यूनिट नहीं होता है।
क्लियर है? उतार लिया बहु सभी लोग? यस सर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी कि फोर्थ अगर तुम 0 टू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा अगर तुम लगाते हो और 30 के बराबर या इक्वल लेस देन, मतलब 0 से लेके 30 न्यूटन तक अगर तुम फोर्स लगाते हो तो ये ब्लॉक दोनों के दोनों साथ में चलेगा। अगर इफ एफ इज ग्रेटर देन 30 देन ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर। ठीक है बाबू? अगर 30 न्यूटन से ज्यादा तुम फोर्स लगा दोगे तो ये ब्लॉक दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बाबू? क्लियर है? सोनाली श्री, समझ में आया? सोनाली श्री, समझ में आया? यस सोनाली श्री, आपका सर, यस होमवर्क जमा नहीं हो रहा है, क्यों? सर, मेरा हुआ है, हम किए हैं, सोनाली आपका फोल्डर में सुब्रा नहीं का लिखा ना? नहीं है। सोनाली शुभ्रा का नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है तो जिसका नहीं है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। संतोषी, समीर, मानवी, अनंत, सब वीडियो ऑन रखो बेटा। विक्रम, पिंकी, आशुतोष, मेरा ऑन है सर। गुड। शुभम, आकाश, टू, अनुराधा, चलो क्लियर हो गया बेटा। चलो अब मैं बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन में फाइंड ए व्हेन ए एफ इज इक्वल टू 18 न्यूटन एंड बी एफ इज इक्वल टू 36 न्यूटन। बनाओ बेटा, सभी लोग बनाएगा फटाफट। सर क्या निकालना है? ठीक एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, जब फोर्स आपका 18 न्यूटन हो और बी जब फोर्स 36 न्यूटन हो तब आपको निकालना है। यहां पर बाबू ए ए एंड ए बी ऐसा निकालना है। सर, जब टुगेदर मूव करेगा तब। वो तुमको खुद चेक करना है कि टुगेदर मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए मैंने कंडीशन आपको बता रखा है। ट्राई करो तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, एक बार ट्राई करो खुद दिमाग लगा करके। हाँ
आ गया बाबू आंसर किसी को? सर पहले वाले का तो 3 मीटर पर सेकंड, पहले वाले का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ए में 3 मीटर पर सेकंड और बी में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, ए अगर 18 न्यूटन लग रहा है, ए अगर 18 न्यूटन लग रहा है तो 30 न्यूटन से कम है। यस और मैंने सर, क्या बोला था, जब 30 न्यूटन से कम रहेगा तो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे, इसलिए बात खत्म हो गई। जब साथ साथ चलेंगे तो दोनों पे ज्वाइंट फोर्स, ज्वाइंट बॉडी मान लो, पूरे को बॉडी एक कट्ठे मान लो, क्योंकि जब भी चलेगा दोनों चिपक के चलेगा, तो बाबू कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा टोटल फोर्स, 18 न्यूटन मास 6 kg, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चलेगा। क्या चलेगा बाबू? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से दोनों साथ साथ चलेंगे। लिख दो मूव टुगेदर। ठीक है बाबू, चलो आगे देखो। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो गया बाबू? बी पार्ट में हो गया, अगर इसको 36 न्यूटन लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो 36 न्यूटन अगर तुम लगा देते हो, यहां लिखो, सिंस एफ इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा बाबू ये? 3 पॉइंट, 13/2 ना होगा हाँ क्या हो सर, गया? 13/2 होगा ना। ओह सॉरी सॉरी, वही कह रही, कम क्यों आ रहे हैं भाई, 5 से ज्यादा आना चाहिए ना, 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नीचे वाला ब्लॉक जो है वो 6.5 से चलेगा, जबकि 2 वाला ब्लॉक ओनली एंड ओनली 5 से ही चल पाएगा। है समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर है सबको? उतारो बाबू अच्छे से, उतारो बेटा अच्छे से सभी लोग। सभी लोग उतारो अच्छे से। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, ये सब समझना है। और मैं बता रखा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल 5 दिन पहले, आज से ठीक 5 दिन पहले जो आईटी का एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बाबू? अब ध्यान दो, यहाँ अभी तक जो मैंने बताया था वो यहाँ पर नीचे वाला जो लिया था,
नीचे सरफेस और ब्लॉक के बीच में म्यू की वैल्यू जीरो थी, यानी स्मूथ थी, यानी क्या था, स्मूथ था। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच भी 0.1 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं इस नीचे वाले ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में भी म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 के बराबर। ठीक है, अब आपको बताना है, आपको बताना है कि अब बताओ ये मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल सके। बताओ बाबू, अब बताओ। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया मैंने, अब यहां पर फ्रिक्शन ले लिया और मैं बोल रहा हूं वही निकालो एफ मैक्स जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल सके। सभी लोग बनाएगा बाबू, रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपको कि सब कुछ पिछला क्वेश्चन ही है, केवल ये बोला गया कि लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में अब म्यू आ गया, फ्रिक्शन आ गया। पहले फ्रिक्शन नहीं ले रहे थे हम, अब फ्रिक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब जब फ्रिक्शन ले रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 0.1, तो अब बताना है कि इस ब्लॉक पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। न्यूटन सर 36 न्यूटन आया सर। आंसर कितना आया बताओ? 36 न्यूटन आया सर। 36 न्यूटन आया। आएगा 100% करेक्ट है, क्योंकि जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें ऑलरेडी 30 न्यूटन आ चुका था, है ना। 30 न्यूटन यहां पे तुम लगा सकते थे ताकि एक्सीलरेशन क्या हो, 5 मीटर पर सेकंड का हो जाए, है ना। ऊपर में कोई चेंजेस किया नहीं आपने, ऊपर में तो जो वो क्या मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो ना एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा चलोगे तो ये बेचारा पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। अगर साथ में चलना ही है तो मैक्सिमम 5 मीटर हो, उसके लिए इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम एफ और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है बाबू बताओ यहाँ पे? 6 न्यूटन। म्यू इंटू एम जी, हाँ यहाँ पर लगेगा म्यू 0.1 और एम जी कितना हो गया सर? एम हो गया 6 और 10, 6 न्यूटन सर। अरे देखो कितना हो रहा है, क्या क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा आज, क्या क्या आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब साउल रिकॉर्डिंग कर रहा है, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, हो रहा है ना, है ना। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था? नहीं सर, ऊपर में लोगो दिखाई पड़ता है REC, वो नहीं दिखाई दिख पड़ता है, आज नहीं दिख रहा। ओ क्यों हो रहा है सर? ऐप से करते रिकॉर्ड सब दिखाई देता है, एक्सटर्नली करेगा तो नहीं दिखा देगा, नहीं दिखा देगा ना, ठीक है चलेगा, है ना। ठीक है, हो रहा है ना, डोंट वरी। अच्छा बाकी लोग ये सब सो गए कैसे भाई? मैं बार बार बोलता हूँ तुम लोग को भाई, सोना नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई करना है ना। ये सब नाटक मत क्या करूँ, मैं जिसमें देखूंगा ना अभी हटा दूंगा।
जिसका देखूंगा ना बंद, उसको मैं वो कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का नहीं मन है अभी फिलहाल, तो सो जाओ, ठीक है बेटा? जब भी तुम मेरे सामने बैठो ना, तो 1.5 से 2 घंटा जो क्लास होती है वो आपको अलर्ट रह के बैठना है, दिमाग खोल करके बैठना है, सब कुछ समझना है 100%, क्योंकि आईआईटी जाना बेटा है, समझ में? उल्टा सीधा करोगे ना, दिमाग लगाओगे बेटा, पीछे रह जाओगे, फिर पूरी करियर में पछताते रह जाओगे, समझे? पूरा लाइफ उस समय फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा तुम, नोबडी कैन हेल्प यू, इसलिए ये सब मत किया करो। हाँ, जो अभी भी नहीं सुन रहा है सब, विक्की कौन है भाई, समीर कौन है, अनंत, पिंकी, करण, अंजलि, ये सब कौन है? कैमरा सर कैमरा खराब है। हाँ क्या करण? देखिए कैमरा खराब है। ठीक है, तुम बंद रखो, बाकी लोग तो करने दो। सर मेरा कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसी कारण ऑफ किया। अच्छा ठीक उस बार है, भी हम चलो क्लास में बोले थे। चलो उसको दिखवा लो क्या दिक्कत है। सुनो इधर, अब क्या हो गया बाबू? तो एफ इधर रहे, एफ इधर लग रहा है, तो एफ -6 इज इक्वल टू मास कितना हो गया, 6 kg, और एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5, तो कितना हो गया एफ इज इक्वल टू 36 न्यूटन 36 इज द करेक्ट आंसर। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो तुम फोर्स लगा पाओगे वो कितना लगा पाओगे, 36 न्यूटन लगा पाओगे, उससे ज्यादा तुम नहीं लगा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं लगा पाओगे, उससे ज्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है समझ में? अब देखो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं बता रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बता रहा हूं बाबू, पहला इसको मैं फोर्स को कैटेगरी में बांट दे रहा हूं, सुनो बेटा इधर, अगर ये एफ 0 से बड़ा है या इक्वल है और 6 से छोटा है, क्या है, अगर 6 से ये छोटा है या इक्वल है, तो ये क्या होगा बाबू, ये पूरा सिस्टम विल नॉट मूव, ये टसकेगा ही नहीं। ये क्या होगा, अगर तुमने फोर्स यहां पे 6 न्यूटन के बराबर ये छोटा रखा है तो क्या होगा, ये टसकेगा ही नहीं, चलना स्टार्ट ही नहीं करेगा, 6 न्यूटन पे चलना स्टार्ट जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा। बात सुन आ गया बाबू, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? इसको इक्वल टू हटा दो, बल्कि तुम क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है? अच्छा अब देखो, अगर आपने 6 से बड़ा लगा दिया, अगर आपने 6 से बड़ा लगा दिया या बराबर लगा दिया, ऐसा नहीं, तब तक 36 के बराबर तक तो क्या होगा, सिस्टम विल मूव टुगेदर, मूव टुगेदर 36 न्यूटन फोर्स तक दोनों लॉक साथ साथ चलेंगे। बात सुन आ गया बाबू, और अगर आपने ये फोर्स 36 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, विल नॉट मूव लिखो, ऊपर में टुगेदर मत लिखना, दोनों स्टार्ट ही नहीं होगा, यहां पर स्टार्ट होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, और इस केस में क्या होगा, सिस्टम विल मूव बट नॉट टुगेदर, मूव तो करेगा लेकिन साथ साथ नहीं करेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बात सुन आ गया, क्या होगा, यस सर। साथ साथ नहीं चलेगा, है समझ में, क्लियर है? यस सर।
अरे बाबू समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन था पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिखो और, एक क्वेश्चन और लिखो। इस बार मैं कर रहा हूं अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। सेम क्वेश्चन है, ये 4 kg का था ए ब्लॉक, इसके ऊपर था बी ब्लॉक, 2 kg का था, ठीक है। अब मैं फोर्स जो लगा रहा हूं वो मैं ऊपर लगा रहा हूं, इसके बीच का म्यू 0.5 के बराबर ही है, 0.5 के बराबर ही है, ठीक है। तो आपको बताना है मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ ए, ए ए का मैक्स निकालना है, ठीक है। और आपको बताना है एफ मैक्स टू मूव टुगेदर, बताओ बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बनाओगे, सभी लोग बताओगे, सभी लोग बनाओ फटाफट। सभी लोग करो बेटा। सभी लोग करो फटाफट। सर एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो करो, बाकी लोग को भी करने दो। चलो सभी लोग करो फटाफट। हो गया सर, आ गया आंसर। यस सर, आ गया सभी लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अभी देखो कम से कम 10 लोग ना अपने आप रिमूव हो गया भाई साहब, उसका वीडियो वीडियो सब आप सो रहा था बच्चे लोग, 10 लोग, 10 लोग को पूरा आराम से सोने के लिए छुट्टी कर दिया गया है ऑटोमेटिकली। सुन में चलो आ गया आंसर सबको? यस सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। चलो कितना आया आंसर, आंसर कितना आया बाबू बताओ? एक्सेलरेशन आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 एफ मैक्स 15 और एफ मैक्स 15 मेरा 5 आया सर। 5 आया, ओके। 5 कितना है बताओ सर? पहले वाले का आंसर 5 मीटर पर सेकंड है। देखो कैसे बनाएंगे बेटा, यहां पर देखो ध्यान दो, अब तुम फोर्स इधर लगा रहे हो तो इसको तो तुम जितना मर्जी तेजी से ले जा सकते हो, इसको तो तुम जितना मर्जी तेजी से ले जा सकते हो, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो बहुत तेजी से भी जा सकता है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? नीचे वाले ब्लॉक पे, ए पे। क्या आ रही है? नीचे वाले ब्लॉक पे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये आगे जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि जब तुम इस पे फोर्स लगा के इसको आगे लेके जाना चाहोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक पे बी पे पीछे फोर्स लगेगा, एफ बी ए। अब जब बी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो ए पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ऐसा में तो तुम डायरेक्टली फोर्स इस पे नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब ये मूव करने लगेगा तो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन जो लगेगा 4 kg पे वो आगे लगेगा, जिसके कारण ये वाला ब्लॉक भी आगे जाने की कोशिश करेगा, ये वाला ब्लॉक भी आगे जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में है ना, ये क्या होगा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर करेगा, क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स तो यही लग सकता है, इससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, इससे ज्यादा फोर्स तो लग ही नहीं सकता है ना? यस। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम एफ ए भी निकालो पहले, एफ ए बी या एफ बी ए दोनों बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी हो जाएगी, है ना? ए किसका लेंगे, एम ए का लेंगे, तो म्यू कितना है बाबू, एम कितना है, जी कितना है सर? ए का मास 4 न्यूटन है, 4 kg है ना? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बी लेना चाहिए ना, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन है ना, क्या हो जाएगा 10 kg है ना, लिख लो, लिख लो।
So now see, the maximum force is 10 newton on this. So the maximum acceleration of A will be equal to 10 by 4 force by mass. 10 by 4, that is 2.5 meter per second square. 2.5. And maximum to maximum जो acceleration आएगा A का वो कितना आएगा? 2.5 meter per second square आएगा. Yes, sir. अब सवाल ये उठ रहा है. Yes. अगला सवाल ये उठ रहा है कि अब maximum force कितना लगाया जाए so that कि दोनों साथ में चले, दोनों साथ में ही चले. ठीक है. यस सर. बाबू क्या करोगे? इसको फोर्स ज्वाइंट मान लो, दोनों को ज्वाइंट मान लो बॉडी, है ना. और एक्सेलरेशन क्या लेना है आपको? एक्सेलरेशन कितना लेना है बाबू आपको बताओ? 2.5 मीटर पर सेकंड. ज्यादा मत लेना, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा. तो एफ मैक्स इस केस में कितना हो जाएगा बाबू? मास हो गया 6 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2.5. अगर मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 15 न्यूटन के बराबर आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम ऊपर वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स 15 न्यूटन ही लगा सकते हो. अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो ऊपर वाला तो चल देगा, पीछे वाला, नीचे वाला बेचारा रह जाएगा. ऐसा नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम. बात सुन आ गया बाबू? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? सर क्लियर है. पक्का? यस सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी. यस सर. यस. चलो अब इसी क्वेश्चन को फिर से बनाओ उसी तरह से. अब इसको मैं स्मूथ ना करके क्या कर दिया मैंने? 0.1 ले लिया. ब्लॉक, निचला ब्लॉक, लोअर ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में म्यू को क्या ले लिया? 0.1 ले लिया. अब फिर से बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, और मैक्सिमम एफ मैक्स कितना लगा सकते हो जिससे कि दोनों साथ में चले? बताओ बाबू, बताओ. फिर से वही क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. इस बार क्या किया मैंने? नीचे वाले सरफेस को भी फिक्स रफ सरफेस मान लिया है. आपको बताना है ए मैक्स और दूसरा बताना है आपको एफ मैक्स. बता भाई. हेलो हेलो आगे बढ़ान सर. सर बोलो बेटा, बोलो. सर रिमूव कर दिए, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. कौन है? बिक्की विकास. हाँ सर, बिक्की विकास से बोले नहीं सर कि मेरा कैमरा खराब है, उसमें कुछ नहीं दिखता, चालू करेंगे फिर भी. हाँ सर, डिजिटल ऑफिस में ऐसे क्लास कर रहे हैं आप, ऐसे के बताइए, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो दूसरे साथ ज्वाइन कर लो फिलहाल. किसके साथ? दूसरे साथ बैठ जाओ, दूसरे दोस्त के साथ. सर हम लोग खुद दो तीन को से क्लास कर रहे हैं. हाँ दूसरे साथ बैठ जाओ सर, है ना. अगले मीटिंग में एंड होगा ना, मीटिंग एंड फिर ज्वाइन कर पाओगे.
मीटिंग एंड होने के बाद फिर ज्वाइन कर पाओगे, अभी किसी के साथ ज्वाइन कर दो। चलो करो बेटा करो। अभी जो क्लास है बेटा ये मैं बार बार बोल चुका हूं, अब मैं बोलना बंद कर दूंगा क्योंकि आप लोग में कोई सुधार नहीं आता है। यहां पर वही क्लास अटेंड करेगा जो रेगुलर होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, रेगुलर क्लास अटेंड करता है। तीसरा, जब भी अटेंड करता है क्लास तो वीडियो ऑन करके पढ़ाई के मूड में बैठ करके पढ़ाई करता है, ठीक है, उसी को क्लास करना है। और जिसको अटेंड होमवर्क नहीं करना है ना, वीडियो ऑफ करके क्लास अटेंड करके सो जाना है ना, उन लोगों को जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस थोड़े ना मैं मांग रहा हूँ, ये स्कूल थोड़े ना है, 75 अटेंडेंस होना चाहिए। यहाँ अटेंडेंस नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ आईटी होना चाहिए। स्कूल में होता है 70% अटेंडेंस होना चाहिए, तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं आजकल, लॉग इन करके सो जा रहे हैं, है कि नहीं, लॉग इन करके सो जा रहे हैं। यहाँ पर अटेंडेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर अटेंडेंस जरूरी नहीं है, यहां पर आपका आईआईटी में होना जरूरी है। बस ना रहे बेटा, यहां पर आपका आईआईटी में होना जरूरी है, अटेंडेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आईआईटी में होने के लिए जरूरी क्या क्या है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको करियर बनाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है। बींग ए गुड स्टूडेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप आने वाले जूनियर्स के लिए आप एग्जाम्पल बन सको, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं। चलो आगे बढ़ा, आंसर बताओ कितना आ गया सर? 21 न्यूटन। कितना आ गया बाबू? मैक्सिमम फोर्स है 21 न्यूटन और एक्सेलरेशन 3.5। ओके, यहां पर तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही होगा बाबू, है ना? यस। और यहां पर फ्रिक्शन हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, जब ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए पे नेट फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन आगे और 6 न्यूटन पीछे, तो नेट कितना हो जाएगा इस पे? 4 न्यूटन। तो ए ए कितना हो जाएगा बाबू? ए मैक्स कितना हो जाएगा? 4/4 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो अगर अगर दोनों को साथ में ही चलना है, अगर दोनों को साथ में ही चलना है तो क्या हो जाएगा? आपको फोर्स आपको इतना ही लगाना कि एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो सके। तो क्या करेंगे बाबू? पूरे पॉइंट मान लो, बाहर से फोर्स केवल ये लगेगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इनका इंटरनल मामला हो जाएगा, फ्रिक्शन को हम नहीं लेंगे, है ना, इनके बीच का फ्रिक्शन को नहीं लेंगे, ये बाहर वाले को लेंगे क्योंकि हमने इसको ज्वाइंट मान लिया ना, तो इनके बीच का फ्रिक्शन को नहीं लेंगे, इसको लेंगे चूंकि बाहर से लग रहा है, सरफेस लगा रहा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें? एफ आगे की तरफ पीछे की तरफ 6 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ कितना हो गया? 12 न्यूटन। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो फोर्स लगा पाओगे आगे के तरफ ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल सके, उसके लिए फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन होगी। कितना होगा बाबू? 12 न्यूटन होगा, इससे ज्यादा आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी को फिर से कंडीशन में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर फोर्स लेस देन 6 है, लेस देन 0 से बड़ा लेकिन 6 छोटा, तो क्या होगा? ब्लॉक टचकेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करेगा मूव टुगेदर, मतलब चलेगा ही नहीं, है ना, डोंट मूव, दोनों ब्लॉक नहीं मूव करेगा। 6 से बड़ा लेकिन 12 से छोटा, तो क्या होगा? मूव टुगेदर। और अगर 12 से बड़ा है
12 से बड़ा है अगर जो, तो क्या होगा बाबू उसको ऐसा लिख दो, क्या हो जाएगा? मूव बट नॉट टूगेदर, मूव बट नॉट टूगेदर। समझ में आ गया? तो दोनों तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इतना कर लिया आप लोगों ने, काफी है। चलो आ गया बाबू सबको क्लियर? यस सर आ गया। अच्छी बात है। चलो अब एक क्वेश्चन और, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है बाबू, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? देखो देखो ये आपका क्या है, वाल है, और ये आपका क्या है, एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है 1 kg का, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक है 1 kg का। समझ गया भाई? ये वाल पे 1 kg और यहां भी 1 kg है भाई, ध्यान रखना। आया समझ में? इनके बीच का म्यू 1 है, इनके बीच का म्यू 2 है। बात समझ आ गई सबको? और आपने क्या किया है, इसको दबा के रखा है ऐसे, कितना से बाबू? 10 newton से। कितना से? 10 newton से आपने दबाया है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। आपको निकालना है, फाइंड ए एंड ए बी। क्या निकालना है? ए एंड ए बी निकालना है। कैसे? कब? तो पहला कंडीशन लिखो, जब म्यू वन की वैल्यू 0 हो और म्यू टू की वैल्यू 0.1 के बराबर है। अब बताओ क्या होगा? क्लियर है बाबू सभी लोगों को?
आगे आंसर सब लोगों को आया आंसर? क्या आंसर आया बाबू बताओ आंसर क्या आया बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू जीरो। ए एंड बी इक्वल टू जीरो आ गया सर, दोनों का जीरो आया क्योंकि अच्छा, दोनों साथ में है। अच्छा बाकी लोगों कितना आया भाई बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ बी वन आया और ए का जीरो आया। अच्छा ठीक है और बाकी लोगों को कितना आया? एक्सेलरेशन ए जीरो आया और एक्सेलरेशन बी वन। कितना कितना आया बताना फिर से? एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो और एक्सेलरेशन ऑफ बी वन। सर मेरा भी बी वन आया। बी वन आया सर, फर्स्ट वाले का जीरो आएगा, सेकंड वाले का वन आया। ओके ठीक है ठीक। चलो अब मैं बताऊं इसको कैसे बनाते हैं। देखो अगर आपने इसको दबा दिया यहां से तो ए ए ब्लॉक, अगर मैं बनाऊं ड्राइंग ए ब्लॉक का, बी का पहले बनाता हूं तो बी का कितना हो गया बाबू? आप यहां दबा रहे हो इसको 10 न्यूटन से, ठीक है? तो इस पर नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा या सर? नो 10 न्यूटन, क्योंकि और इसको दबा रहा है कोई नहीं, बस यही दबा रहा है। इसके कारण ये इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा, ये जो दबाएगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है? और ये जो दबाएगा इसको 1 kg वाले को, वो क्या होगा? ये इसको भी होगा 10 न्यूटन, तो इसका भी होगा n 10 न्यूटन के बराबर। यानी दोनों पे जो होगा नॉर्मल फोर्स वो 10 न्यूटन के बराबर ही होगा, ठीक है? क्योंकि वही तुम दबा रहे हो, है ना, बाकी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा इस पे क्या होगा? mg यानी 1 × g, और इस पे भी 1 × g, डाउनवर्ड फोर्स तो लगते रहेगा ग्रेविटेशनल के कारण, ये दोनों पे लगेगा। और क्या लगेगा? और फ्रिक्शन लगेगा। कहां पे लगेगा फ्रिक्शन? लगेगा यहां पे बाबू। कहां लगेगा? b पे। कहां लगेगा?
सभी लोग वीडियो ऑन रखेगा भाई, सभी लोग इस कंपलसरी, जिसका ऑफ रहेगा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाओगे फिर। हाँ देखो बेटा, अब देखो अगर आपने इसको दबाया है और यहां पर ये जीरो दिया हुआ है, यानी कि ये स्मूथ है। जब ये स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, तो ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा, yes, चाहेगा। जब ये नीचे गिरना चाहेगा तो ये इसको, जब ये नीचे गिरेगा तो इसे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा? बी लगाएगा। ए पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा बी के कारण, तो बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? बी पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे लगेगा ए के कारण। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम। ये जीरो है म्यू, यहां पर स्मूथ सरफेस है, इसलिए सलाख से नीचे गिरना चाहेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो बी इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा, ए पे फ्रिक्शन ऊपर, चूंकि ये गिरना चाह रहा है। जब ये इस पे ऊपर लगेगा तो बी पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है बाबू? कहां लगेगा? ये नीचे लगेगा। एक बार फिर से ये क्या हो गया बाबू? यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ये ब्लॉक नीचे ससरना चाहेगा, ये वाला। यस सर। जब ये नीचे गिरने लगेगा तो इन ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बी और ए के बीच में, तो ए नीचे जा रहा है तो ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा, ऊपर की तरफ। यस सर। लिख दिया मैंने, ए पे क्या लगा फ्रिक्शन? ऊपर की तरफ। कौन लगाएगा? बी लगाएगा। फ्रिक्शन ऑन ए बाय बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बी पे किधर लगेगा फ्रिक्शन? नीचे लगेगा, एफ बी ए, फ्रिक्शन ऑन बी बाय ए, बस हो गया काम, ठीक है। ये हमारा एफ बी डी है, ये हमारा क्या है? दिस इज आवर एफ बी डी। हाँ समझ में, क्लियर है सबको? अब अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगी बाबू? तो आपको पता है म्यू कितना है, म्यू टू कितना है? 0.1 इंटू एन कितना है? 10, यानी कितना हो गया? 1 न्यूटन। कितना हो गया बाबू? 1 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर, 1 न्यूटन हो गया। अच्छा, जब 1 न्यूटन हो गया ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ, तो क्या होगा? इसका कितना होना चाहिए नीचे जाने का टेंडेंसी? कितना होना चाहिए बाबू बताओ? 9 न्यूटन। 9 न्यूटन, यानी क्या होगा? ये 9 न्यूटन से जाना चाहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? 9 न्यूटन से जाना चाहेगा, ठीक है। अब जरा इस पे देखें, इस पे देखें, यानी 9 9, ये कितना हो जाना चाहिए? 9 होना चाहिए, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इसका कितना होना चाहिए बाबू? 11 कितना होना चाहिए नीचे का? 1g और ये 1, यानी कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 न्यूटन। यानी कि क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए इसका, है ना? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो यहां पे। अब अगर ये 11 हो रहा है और नीचे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है,
तो 11 कैसे हो जाएगा, है ना? 11 तो इसलिए आ रहा है कि जब ये इसको टच कराता रहे और ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता रहे तभी होगा ना, तभी होगा, है समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको आपको ऐसे बोलना चाहिए कि नीचे का फोर्स केवल mg है, इसलिए ये क्या होगा 10 से चलेगा, कितना चलेगा, ये 10 से नीचे गिरेगा। और जब 10 से नीचे गिरेगा ये, तो ये भी क्या होगा, ये भी फ्री फॉल हो जाएगा 10 से। क्यों? क्योंकि इसको अपोज कौन करेगा, जब ये टच में रहेगा तभी तो, है ना? तो इसलिए क्या होगा, दोनों कंबाइंड के रूप में ये चलेगा, क्या होगा, दोनों का दोनों ये कंबाइंड के फॉर्म में जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ये दोनों के दोनों साथ में नीचे गिर जाएंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों फ्री फॉल हो जाएंगे। आसन में क्या करेंगे ये दोनों, सर एक बार और बता दीजिए ना। सर तो वो 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो कुछ काम नहीं करेगा है, कौन सा वो जो साइड से लग रहा है 10 न्यूटन का, ये काम करेगा केवल नॉर्मल फोर्स देने का, फ्रिक्शन को डेवलप करने में हेल्प करेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में केवल और केवल जी फोर्स एक्ट कर रहा है और कोई भी फोर्स नहीं है। इसलिए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन चाहेगा कि वो बिल्कुल सेम फोर्स से नीचे आए, जी एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहेगा, है ना? तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन केवल आपको ये सपोर्ट करेगा कि दोनों साथ साथ नीचे चला जाए, क्या करेगा, दोनों साथ साथ नीचे चला जाए, क्योंकि ये भी जी से नीचे गिरा है, ये भी जी से नीचे गिरा है, समझ में? यस सर, वीडियो देख रहा तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा सर, शुरू से बताइए आज में तो क्यों होता है, सुनो इधर, क्योंकि रिलेटिव मोशन यहां पर क्या है, रिलेटिव मोशन जब होगा तभी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों बॉडी जब फ्रीली गिरने लगेंगे तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, दोनों चिपक करके ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसे दोनों, समझा? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों जी से गिरना चाहेगा स्टार्टिंग में ही, और दोनों चिपक करके ऐसे साथ में गिर जाएगा जी एक्सेलरेशन से, ठीक है? और फ्रिक्शन देखा जाए तो यहां पर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। यहां पर लिख लो, नो रिलेटिव मोशन, ये जो मैंने निकाल के दिखाया आपको, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये तरीका होता है बनाने का, अभी मैं बताऊंगा एक दो क्वेश्चन और इसी पे, डोंट वरी, पर इसको उतार लो अच्छे से, इसको अच्छे से उतारो पहले, फिर मैं बताता हूं दूसरा। सर हाँ, तो सिंगल ए का कुछ नहीं है क्या, सिंगल ए का एक्सीलरेशन कितना है इसमें, दोनों का 10 हो जाएगा, दोनों का 10, दोनों फ्री फॉल हो जाएगा, दोनों क्या होगा, फ्री फॉल हो जाएगा, दोनों फ्री फॉल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, तुमको समझ आएगा, पर इसको उतार लो अच्छे से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो तुमको कंपेयर करके और बेटर समझ में आएगा। देखो अब मैं सेकंड बोल रहा हूं, हो गया ये, अब बी पार्ट दे रहा हूं मैं, देखो इसी क्वेश्चन में अब मैं दे रहा हूं म्यू वन, मैं दे रहा हूं आपको जीरो पॉइंट वन, ये भी फ्रिक्शन हो गया, क्या हो गया, ये भी फ्रिक्शन हो गया, ठीक है,
और म्यू टू को मैंने जीरो कर दिया, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बताओ क्या होगा? देखो इधर ध्यान दो, देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। अगर मैं ए का फ्री वर्ल्ड डायग्राम बनाऊं, ए का फ्री वर्ल्ड डायग्राम, तो क्या होगा? क्योंकि ये वाल तो रुका हुआ रहेगा, इसलिए वाल कंटिन्यूअस, वाल और इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही होगा, इसलिए इनके बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि वाल रुका हुआ है, ये आगे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो गया। कितना लगेगा फ्रिक्शन इस पे? इसको नीचे गिरने की टेंडेंसी है कितना से? 1 × g से। फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर? μ × n। ऐसा में जब ये नीचे, हाँ जब ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन इसके कारण ऊपर लगेगा, और ये सरफेस क्या है? ये सरफेस स्मूथ है, इसलिए इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। केवल और केवल ए और सरफेस वॉल के बीच में होगा। कितना हो जाएगा ये बाबू? 0.1 × 10 = 1 N ऊपर की तरफ, 10 N नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे? 9 N हो गया, 10 − 1 यानी कि 9 N। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 9 − 1 यानी 9 m/s². यानी ये ब्लॉक फ्रीली फॉल नहीं होगा, क्योंकि ये वाल में चिपका हुआ है और वाल रफ है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, फ्री फॉल नहीं होगा। ठीक है, अब चले आओ बी पे, बी पे चले आओ। बी पे नीचे कितना लगेगा? 1 × g यानी 10 N। 10 N और फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, इसलिए नो फ्रिक्शन। अब क्या होगा? अब बी के केवल और केवल 10 N लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसको? 10/1 नीचे गिर जाएगा। बी वाला ब्लॉक 10 से गिरेगा, ए वाला ब्लॉक 9 से नीचे गिरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी मैं और इस पर फेस कराऊंगा, उतार लो पहले इसको, उतारो अच्छे से सभी लोग। उतार लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर, क्लियर है, ऑन है, दिख रहा है। अब इससे नहीं बटन, नहीं अभी भी बंद है, अभी इसमें करता हूं, तुम्हारा वीडियो ऑफ किया हुआ है। चलो अभी दिखाओ, थर्ड दिखाओ, इसी में बताओ, एक और पार्ट करवाता हूं बेटा, इसी में एक पार्ट और करवाता हूं।
सी पार्ट, सी पार्ट में देखो क्या है बेटा, एक और पार्ट करो। अब मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें, न्यू वन दे रहा हूं तुम्हें 0.1, ये 0.1 है और ये 1.0 है। कितना बेटा, 0.1 है आपका वाल के साथ और इसके साथ 1 है। अब बताओ क्या होगा ए ए एंड ए बी, सभी लोग ट्राई करो तो मैं बताऊंगा, सभी लोग ट्राई करो वरना मैं बताऊंगा। सर बोलो 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 सर, देखिए कैमरा खराब है ऐसा दिखता है, चलेगा छोड़ दो, बस चालू रखना, मैं देख पा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, चलो वो तुम छोड़ दो। आदिति आनंद चलो आ गया आंसर सबको, चल देखो बेटा सभी लोग देखो, कितना रहा बाबू सभी लोगों को? सर बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। 1 मीटर पर सेकंड। कितना कितना रहा सब लोगों को? एक्सेलरेशन ऑफ ए आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी का 0 आ रहा है सर, बी का 0 आ रहा है। चल देखो बाबू सुनो, ये ए ले लिया ये बी ले लिया ठीक है ओके। अच्छा अब देखो जरा इनके बीच ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 10 न्यूटन होगा बाबू होगा? यस सर। होगा? यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर कितना होगा बाबू? 1 न्यूटन होगा यहाँ पर। 1 न्यूटन। ऊपर ही होगा क्योंकि ये ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर ही होगा है ना, इसलिए ऊपर हो गया। अब बात उठ रही है यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखो क्या हो गया, नीचे कितना होगा 10 न्यूटन होगा, 1g का मतलब 10 न्यूटन। यस सर। यस सर। यस सर।
होगा? यस सर। सर वो अलग वाला ब्लॉक में बनाइए ना वो ड्राइंग का। हाँ उधर बनाओ, उधर बनाओ। तो नीचे क्या लगेगा वो? यहाँ पर 10 न्यूटन लगेगा और यहाँ पर कितना लगेगा? 1 न्यूटन लगेगा ए पे ऊपर की तरफ, नीचे 10 न्यूटन लगेगा। तो बी की बारी आ रही है तो बी की बारी बी में 10 1g नीचे लगेगा, कितना लगेगा? 1g नीचे लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है इस पे? 10 है, बताओ कितना लगेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अच्छा इसमें कितना लगेगा? चूंकि नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा। अब इसके कारण फ्रिक्शन इसमें किधर लगेगा? नीचे, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नहीं लगेगा? यस और नो? यस सर। यस सर लगेगा। 19। यस सर 19 और दूसरे 0। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर बी ब्लॉक में कैसे कितना आया? क्या? 0 0 बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अभी देखो, अभी पहले वो समझना पड़ेगा। ये ड्राइंग बन गया, पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो सर, क्लियर है। 10 न्यूटन होगा, ये क्या होगा? 10 न्यूटन होगा, होगा? यस सर। यानी क्या होगा? ये 10 न्यूटन जब होगा तो बी चल ही नहीं रहा है। बी क्या हो रहा है? बी मूव ही नहीं करेगा, डोंट मूव। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसको चलाने वाला फोर्स कितना है बताओ? 1g के बराबर है, 9.8 ही लोगे ना, लेकिन ये एग्जैक्टली 10 है कि नहीं बाबू? यस सर। यस सर, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जी की वैल्यू होता है, अप्रोच लेते थे तो 10 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लो। और ऊपर कितना है? ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है पक्का पक्का। तो जब 10 न्यूटन नीचे, 10 न्यूटन ऊपर, इसमें नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। बात सुन आ गई? यस। एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर। नो सर, नो सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसलिए ये मूव ही नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा? ये देखा जाए तो ये मूव ही नहीं करना चाहिए। बात सुन आ गई? ये क्या होना चाहिए? ये मूव ही नहीं करना चाहिए। और जब मूव नहीं करेगा, जब मूव नहीं करेगा ये, तो क्या होगा? ये दोनों ए और बी साथ में चलेंगे। क्या करेंगे दोनों? ए और बी क्या चलेंगे? दोनों साथ में चलेंगे। बस मारी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन अगर दोनों के बीच में नहीं है तो अगर ये ए नीचे आएगा तो उसके साथ साथ बी भी नीचे आ जाएगा। बस आ गई? क्लियर है? यस सर। एनी प्रॉब्लम? सर तो उसका भी एक्सेलरेशन 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ एक मिनट बता रहा हूँ। यस सर 19 आया। यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लग रहा है नीचे तो क्या होगा? इसमें जो फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, उससे कम करेगा। उससे क्या करेगा? कम करेगा। यहां पर फोर्स क्या होगा? फोर्स लेस देन 10 होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए यहां पर? 10 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे कम ही होगा जब ये नीचे गिरने लगेगा। बात सुना गया? अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करना है आपको, ठीक है। क्या गौर करना है? देखो, अगर ये दोनों ब्लॉक को मैं एक साथ मान लूं कि साथ में जा रहा है,
नीचे, तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? और सिस्टम पूरे को सिस्टम मान लिया जाए तो नीचे का फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन, और ऊपर का फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन नोन टू यू, डिवाइड बाय, तो कितना हो जाएगा? 19/2 यानी कि 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है पूरा सिस्टम? अगर एक में मान लू तो 9.5 से नीचे आएगा तो बोलो सर, इसका मतलब ये दोनों ही 9.5 से नीचे गिरेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। देखो क्या हो गया यहाँ पे, अगर ये 10 से कम होना चाहिए, अगर ये 10 से कम होना चाहिए तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स, मुझे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना होगा मुझे वो देखना पड़ेगा। देखो 10 तो नीचे लगेगा, लगेगा 10 तो नीचे लगेगा ना, ये यस और नो? यस सर लगेगा। वेरी गुड, 10 तो नीचे लगेगा। अब ये निकालना कि आखिर ये फ्रिक्शन कितना होगा, फिर 10 तो नहीं होगा क्योंकि 10 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो यहां पर कितना लगेगा वो देखना है मुझे, क्या करना है वो देखना है मुझे। ठीक है, तो देखो अगर ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड, ए नीचे अगर गिर रहा है, अगर हमारा ए नीचे गिर रहा है कितना से गिरेगा बाबू? ये तुम कर लो, एफ अगर इसको ऊपर लग रहा है तो इस पे एफ नीचे लगेगा, यस और नो? यस सर 20 न्यूटन में नहीं जाओ ना बेटा, क्योंकि यहां पर 10 नहीं ले सकता ना मैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे कम लूंगा ना मैंने, ब्लॉक के बीच में एफ की वैल्यू 10 से कम होगा, कितना होगा पता नहीं, एफ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, लेकिन वो नहीं लग सकता, वो लगेगा तो रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, है ना, तो वो डिपेंड करेगा इस पे, ए वाले पे डिपेंड करेगा, ए वाला जो है वो कितना से चलेगा बताओ? ए के कारण ए नीचे गिरेगा, ये कितना गिरेगा बताओ? यहां पर इसका कितना हो जाएगा 20, पूरे सिस्टम को लूंगा तो 20-1/2 यानी 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे सिस्टम का आ सकता है, पूरे सिस्टम का 9.5 आ सकता है, लेकिन हमें यह चेक करना पड़ेगा क्या इससे कम ज्यादा हो सकता है, तो यस ये हो सकता है ना, तो क्या होगा आपका? यहां पर जो लेना पड़ेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा बेटा हमें? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लेना पड़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेना पड़ेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा इनके बीच का? कितना लोगे? जो आपने 1 लिया है ना वही लेना है आपको यहां पे, 1 इसको भी लो 1, तो कितना हो जाएगा? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये रुका हुआ रहने के लिए, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 1 न्यूटन लगेगा इनके पे भी इसके पे भी, क्या लगेगा? 1 न्यूटन के बराबर लगेगा। ठीक है, तो एक ही बात अगर करूं मैं, एक ही बात करूं तो ए पे कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा? 10+1 11-1 कितना हो जाएगा? 11
और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, नीचे है ना 10 माइनस 1 बी, बी का हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 माइनस 1 बाई 1 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 बाई 1 यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। उतार लो बाबू इसको, उतारना एक बार इसको अच्छे से। सर कुछ नहीं समझ में, हाँ सर फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ आया सर। तो फिर समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, कोई बात नहीं, तो फिर समझाता हूँ, डोंट वरी, हाँ डोंट वरी। इसमें देखो क्या होगा, सुनो इधर, इसको ऐसे मत करो ठीक है, तो सिंपल ये कर लो, ये दोनों साथ में गिरेगा, ऐसा लिखो, देखो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन, सिस्टम का जो आया था वो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे गिरेगा, लिख लो कितना लगेगा 9.5, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना तक है 10 तक लग सकता है, जब 10 तक लगेगा तो ये रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, बी मूव ही नहीं करेगा, ए के रिस्पेक्ट में बी का मूवमेंट नहीं होगा, जब बी का मूवमेंट ए के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो हम बोलेंगे इनके बीच में स्टैटिक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या है जीरो है, उसको नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम 10 तक लग सकता है, ये मूव ही नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे पूरे को एक ब्लॉक मान लेंगे उस केस में, और पूरे ब्लॉक एक साथ करेगा क्योंकि इनके बीच में नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, जब नो रिलेटिव मोशन है तो दोनों साथ में गिरेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, एक ये बाहर वाला एक्सेलरेशन ले लो फ्रिक्शन फोर्स केवल, उसको माइनस कर दो कितना से 20 से, तो 20 नीचे लग रहा था और एक ऊपर, तो 19 हो गया था, 19 बाई टोटल मास कितना हो गया 22, यानी कितना हो जाएगा 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पूरे सिस्टम, फुल सिस्टम, दोनों का एक्सेलरेशन इस केस में सेम होगा, लिख लो, क्लियर हो गया। अभी मैं एक और बताता हूं तो और क्लियर हो जाएगा, उतार जाइए इसके बाद डी देखो, एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो इसी में, इसको बार बार समझना, एक दो बार और घर में भी देखना, प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या हो गया, आप म्यू वन म्यू टू, ये ए है ये बी है ठीक है, ए है और बी है, अभी दिया गया आपको म्यू वन को कर दिया गया वन, इसको कर दिया गया वन न्यूटन सॉरी वन, और इसको कर दिया 0.1। अब क्या होगा आप ध्यान दो, अब बताओ या फिर से ट्राई करो, इसको अच्छे से करो,
सर इस पे फिर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली। हाँ हाँ वो वही रहेगा। एक फिर से दिमाग लगाओ इसमें, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ। सर जी का वैल्यू 9.8 लें या फिर 10? अब देखो बेटा सुनो, इसको मैं बता देता हूँ, इसको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, सभी लोग ध्यान दो। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहां पर देखो कितना है, 1 है और एन कितना है 10 के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन होगा, नहीं होगा, यस और नो? और नीचे कितना होगा? यस सर। यस सर। यस कितना होगा? एमजी मतलब 10 होगा, एमजी मतलब 10। चलो अब इनके बीच में देखो, इनके बीच में बी कितना होगा, एमजी 10 नीचे गिरेगा और इनके बीच में फ्रिक्शन, ये नीचे गिरने की टेंडेंसी है, इसको नीचे गिरने की टेंडेंसी नहीं है, इसको नीचे गिरने की टेंडेंसी है, ये गिरना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, म्यू इंटू एन यानी 1 न्यूटन के बराबर। जब इस पे 1 न्यूटन के फोर्स ऊपर लगेगा तो ए पे फ्रिक्शन, नीचे लगेगा 1 न्यूटन। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो समझो, अब इसका अलग कर दें। अब देखो ये गिरेगा कि नहीं, अब ए गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 न्यूटन इसको फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, इसके कारण सोचेगा ये भी गिरे, ये इसको गिराएगा, तो कितना हो जाएगा ए ए नीचे कितना हो गया 11-10/1 यानी कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी कितना हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा आपका 10 ऊपर कितना 1 9 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका इस केस में। ठीक है, क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम? चलो नो सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ जो आपको बना के सबमिट करने, ठीक है बाबू, क्लियर है सबको? यस सर। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। यस सर। यस सर। चलो ओके बाय, थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।